कन्फेस करेंगे। जब हम कन्फेस करते हैं जब हम कबूल करते हैं तो अगर हम हिंदी भाषा में कबूल करना चाहे तो हिंदी भाषा में कर सकते, इंग्लिश भाषा में कबूल करना चाहे तो इंग्लिश भाषा में कर सकते, अपनी भाषा में कबूल करना चाहे तो अपनी भाषा में कर सकते, लेकिन हमने मुँह से कबूल करना बेहद ज़रूरी है। डियर फादर, आई वर्शिप यू इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ, आई लव यू विथ ऑल माई हार्ट and will study your word to walk always in your truth, to serve you accordingly, in Jesus name, Amen. प्यारे पिता, तेरी आराधना मैं करता हूँ आत्मा और सच्चाई में। मैं तुझसे प्रेम करता हूँ मेरे सारे हृदय के साथ, और मैं तेरे वचन को अभ्यास करता हूँ कि उसमें हमेशा मैं चलता रहूँ, तेरी सच्चाई में तेरी सेवा करने के लिए वचन के अनुसार। यीशु नाम में आमीन। आज मनन करने के लिए जो वचन है, मेडिटेट करने के लिए जो वचन है, फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28 चैप्टर 9 वर्स, जॉन 4 चैप्टर 23-24 वर्स, पहला इतिहास 28 अध्याय 9 वचन, यूहन्ना के सुसमाचार 4 अध्याय 23-24 वचन। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28 चैप्टर 9 वर्स, किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। एंड दाउ सोलोमन माय सन, नो दाउ द गॉड ऑफ थाई फादर एंड सर्व हिम विद अ परफेक्ट हार्ट एंड विद अ विलिंग माइंड, फॉर द लॉर्ड सर्चेथ ऑल हार्ट्स एंड अंडरस्टैंडेथ ऑल द इमेजिनेशंस ऑफ द थॉट्स, इफ दाउ सीक हिम He will be found of thee, but if thou forsake him, he will cast thee off forever. और एक बार पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट क्रॉनिकल्स 28 चैप्टर 9 वर्स, किंग जेम्स वर्शन में से। एंड दाउ सोलोमन माई सन, नो दाउ द गॉड ऑफ थाई फादर एंड सर्व हिम विथ अ परफेक्ट हार्ट एंड विथ अ विलिंग माइंड, For the Lord searcheth all hearts and understandeth all the imaginations of the thoughts. If thou seek him, he will be found of thee. But if thou forsake him, he will cast thee off forever. इसी वचन को हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले इतिहास 28 अध्याय का 9 वचन, पहले इतिहास 28 अध्याय 9 वचन। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसके सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। और एक बार पढ़ेंगे, पहले इतिहास 28 अध्याय का 9 वचन। और हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तू उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तू उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा।
यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:23-24 जॉन 4:23-24 किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे। बट द आवर कमेथ एंड नाउ इज व्हेन द ट्रू वर्शिपर्स शाल वर्शिप द फादर इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ फॉर द फादर सीकेथ सच टू वर्शिप हिम। God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Aur ek bar padhenge John 4:23-24. But the hour cometh and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and in truth, for the Father seeketh such to worship him. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. इसी वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:23-24। परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। और एक बार पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:23-24। परंतु वह समय आता है वरन अब भी है जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं। ये सच्चाई हमारे मनन में बनी रहे और इस सच्चाई का अंगीकार हमारे चाल चलन में उतर कर आए। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, हमें फिट एंड फिक्स कीजिए इन वचनों के आधार से। ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में हमको लेकर आइए। नासरी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन।